बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर का पार्ट टू। प्राइमरी हेल्थ केयर में हमने पिछले टॉपिक्स में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज हम पढ़ेंगे द फाउंडेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर अल्माटा। अल्माटा के बेस पे अब प्राइमरी हेल्थ केयर का फाउंडेशन कैसे हुआ था। द डिक्लेरेशन ऑफ अल्माटा फॉर्मली अडॉप्टेड प्राइमरी हेल्थ केयर एज द मीन for providing a comprehensive, universal, equitable and affordable healthcare service for all countries. Primary healthcare का declaration ऐसे हुआ। Primary healthcare जो है ना, ये मतलब अल्माटा का एक ऐलान हो गया। अल्माटा ने एक ऐलान कर दिया और ऐसा ऐलान कर दिया कि primary healthcare को adopt कर दिया, जिससे कि primary healthcare का मतलब ये है कि comprehensive एक वसी और यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में ये मौजूद होगा। पूरी दुनिया में हेल्थ प्रोवाइड करेंगे हम, सारी दुनिया के पेशेंट्स को, सारी दुनिया के लोगों को हेल्थ प्रोवाइड होगा। यूनिवर्सल होगा, कंप्रहेंसिव होगा, वसी होगा एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी केयर की, उसे ज़्यादा केयर दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि ये अमीर है तो इसको ज़्यादा केयर मिलनी चाहिए, ये गरीब है तो इसको ज़्यादा केयर नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इक्विटी पे बात होगी। इक्विटी का मतलब ये है कि मतलब एक पेशेंट है हमारे साथ और उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और दूसरा पेशेंट है लेकिन वो अमीर है और उसका ज़्यादा कम ख़राब है, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स लॉ अप्लाई करेंगे। इनवर्स लॉ जो कि हमारे साथ एक साइंटिस्ट था, उसने पेश किया था इनवर्स लॉ, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इनवर्स केरला, इनवर्स केरला हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बात थी कि जिसको ज़्यादा नीड होगी केयर की, उसे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे केयर। ठीक है जी, तो हम इक्विटी पे बात करेंगे। इक्विटी का मतलब भी यही है कि जिसको ज़्यादा नीड होगी केयर की, तो उसको हम ज़्यादा केयर प्रोवाइड करेंगे। एंड अफोर्डेबल, और वो एक ऐसा केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसा केयर होगा, बेसिक केयर होगा जो कि अफोर्डेबल हो, मतलब बहुत ही कम कीमत में मिलता हो। इसका कीमत जो है ना, वो कंट्री, वो कम्युनिटी क्या कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। इसका कॉस्ट जो है ना, वो बहुत कम हो। हेल्थ केयर सर्विस फॉर ऑल कंट्रीज, ठीक है जी। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिवर्सल, इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर था। द अल्माटा कॉन्फ्रेंस, ये एक कॉन्फ्रेंस था अल्माटा का, जो कि क्या था, इंक्लूड पार्टिसिपेशन फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम 134 कंट्रीज एंड अदर डिफरेंट एजेंसी। एक जगह में, एक बुक में लिखा है कि इसमें 74 एजेंसीज शामिल थे, 34 कंट्रीज के गवर्नमेंट ने इसमें हिस्सा लिया था, और 74 तक एजेंसीज ने इसमें हिस्सा लिया था इस अल्माटा कॉन्फ्रेंस में। इट वाज अनएनिमियसली अडॉप्टेड बाय ऑल WHO मेंबर कंट्रीज एट अल्माटा इन द फॉर्मल कजक स्वेत रिपब्लिक इन सितंबर 1974। अच्छा जी, और ये जो है ना, ये कहाँ पे हुआ था, अल्माटा का, ये एक कजाकिस्तान का जो कैपिटल है जिसको कजक स्वेत कहते हैं, तो वहाँ पे ये क्या हुआ था, 1978 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें WHO के मेंबर्स भी शामिल थे और बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर्स शामिल थे। गवर्नमेंट ने हिस्सा लिया था, बहुत सारे कंट्रीज के, 134 कंट्रीज के गवर्नमेंट ने हिस्सा लिया था और 74 एजेंसीज ने इसमें हिस्सा लिया था। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, scientifically sound and socially acceptable method and technology made universally accessible to individual and families in the community through their full participation, and at a cost of community and country can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of life, self-reliance and self-determination. ये primary healthcare का definition है on the base of Almata. अल्माटा के बेस पे प्राइमरी हेल्थ केयर का ये डिफिनीशन है कि ये एक एसेंशियल हेल्थ केयर है, ये एक एसेंशियल हेल्थ केयर है और ये प्रैक्टिकल बेस पे होगा, मतलब ये एक प्रैक्टिकली एसेंशियल केयर है। दूसरा ये कि ये साइंटिफिकली साउंड है, सोशली एक्सेप्टेबल है,
हर सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये यूनिवर्सली एसेसिबल फिर मतलब यूनिवर्सली एसेसिबल इसका होना नामुमकिन है, क्योंकि अगर सोसाइटी ये एक्सेप्ट करे तो सोसाइटी के बेस पे आगे जाएगा ये, और ये इस तरह से और भी आगे जाएगा और सारी दुनिया में ये फैला रहेगा। मेथड एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली एसेसिबल, जो कि यूनिवर्सली एसेसिबल हो, सारी यूनिवर्स को एसेसिबल हो ये, टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी थ्रू दियर फुल पार्टिसिपेशन एंड अच्छा जी, और क्या होगा कि खुद को भी, फैमिलीज को भी और कम्युनिटी सारे का पार्टिसिपेशन, जितनी भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी से, जितनी भी फैमिलीज है, सब ने इसमें हिस्सा लेना है। अगर सब ने इसमें हिस्सा ले लिया तो ये एक्सेप्टेबल हो गया, अगर सब ने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। मतलब किसी को अगर हेल्थ की ज़रूरत है तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये एक बेसिक केयर है, ये वो केयर है जो कि फर्स्ट कांटेक्ट होता है पेशेंट को, डॉक्टर के साथ पेशेंट को, नर्सिस के साथ पेशेंट को, हॉस्पिटल के सारे मतलब केयर प्रोवाइडर्स के साथ, तो ये फर्स्ट कांटेक्ट है। एट अ कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन एफर्ट, और एक ऐसे कास्ट पे ये मिलना चाहिए जो कि कम्युनिटी एफर्ट कर सके, जो कि कम्युनिटी उसके एफर्ट के काबिल हो, मतलब इतने ज़्यादा कास्ट भी नहीं होना चाहिए और एक मतलब एक कम कास्ट में ये मिलना चाहिए, ताकि हर कोई ये हेल्थ केयर क्या हो, हर किसी को प्रोवाइड हो। टू मेंटेन एट एवरी स्टेज ऑफ दियर डेवलपमेंट इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलियंस एंड सेल्फ डिटरमाइन, सेल्फ रिलियंस एंड सेल्फ डिटरमाइन, जो कि एक खुद मुख्तियार और खुद इतमाद वाला क्या हो डेवलपमेंट है ये। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट बोथ द कंट्री ऑफ द कंट्रीज हेल्थ सिस्टम ऑफ विच इट इज द सेंट्रल फंक्शन एंड मेन फोकस। अच्छा जी, ये क्या है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है किस चीज़ का, बोथ ऑफ द कंट्री, कंट्री का और हेल्थ सिस्टम का, कंट्री हेल्थ सिस्टम का, ठीक है जी, ये एक इंटीग्रल पार्ट है। इट इज़ इट फॉर्म इन इंटीग्रल पार्ट, ये एक इंटीग्रल पार्ट बनाता है बोथ ऑफ द कंट्री ऑफ विच इट इज़ द सेंट्रल फंक्शन एंड मेन फोकस एंड ऑफ द ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि क्या हो, ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मतलब कंट्री में सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, ये भी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर का काम है ऑफ द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में। इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कंटेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये एक फर्स्ट लेवल है, जैसे कि हम कहते हैं कि क्या, ये एक फर्स्ट लेवल है या फर्स्ट कंटेक्ट है एक पेशेंट का, एक क्लाइंट का हेल्थ प्रोवाइडर के साथ, ठीक है जी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ एक फर्स्ट कॉन्टेक्ट जो होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। द फैमिली एंड कम्युनिटी विद द नेशनल हेल्थ सिस्टम ब्रिंकिंग हेल्थ केयर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर पीपल लिव एंड वर्क, ठीक है जी, जो जहाँ पे लोग जो है ना वहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे लोग रहते हो, तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, उसको प्रोवाइड करना चाहिए, वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। एंड कंस्टिट्यूट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कंटिन्यूइंग हेल्थ केयर प्रोसेस, और ये एक फर्स्ट स्टेज होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद और भी प्रोसेस शुरू होता है, और ये अल्माटा ने, अल्माटा के डिक्लेरेशन में प्रेजेंट था प्राइमरी हेल्थ केयर का डिफिनीशन, जो कि क्या है, 1978 में अल्माटा क्लेरेशन हुआ था, और ये एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे एजेंसीज शामिल थे। अच्छा जी, अब है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर एनविसेज, एनविसेज का मतलब है तस्वूर करना, प्राइमरी हेल्थ केयर एनविसेज यूनिवर्सल कवरेज। प्राइमरी हेल्थ केयर का ये तस्वूर था कि यूनिवर्सली कवर करे, मतलब सारे दुनिया के हेल्थ को क्या हो, ये हेल्थ केयर प्रोवाइड हो सारे दुनिया में, यूनिवर्सली मतलब पूरे दुनिया में ये हेल्थ केयर प्रोवाइड हो। ऑफ बेसिक सर्विस, एक बेसिक सर्विस है सच एज एजुकेशन ऑन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि क्या है, मतलब सच एज एजुकेशन, एक एजुकेशन देंगे लोगों को और मेथड सिखाएंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर प्रॉब्लम, हाउ टू कंट्रोल योर हेल्थ प्रॉब्लम, हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ, हाउ टू प्रोमोट योर हेल्थ,
ठीक है जी। तो ये सब हम सिखाएंगे किस चीज़ को, दुनिया को, यूनिवर्स कवरेज को, जिसमें क्या हो, प्रमोशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एक होता है कि अपने फूड को सिक्योर करें, मतलब साफ फूड, सफाई, फूड का सफाई करना, एक अच्छा फूड खाना, एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो कि फूड होता है, मतलब आपका न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशन डाइट कैसा है, बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है आपको कि नहीं। प्रमोशन ऑफ फूड, फूड का प्रमोशन करना, फूड सिक्योरिटी का, एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। अच्छा जी, ये तो हो गया। एडिक्वेट सेफ वाटर सप्लाई, और सेफ वाटर सप्लाई का मतलब वहाँ पे प्रोवाइड हो, सेफ वाटर सप्लाई वहाँ पे मौजूद हो, एंड बेसिक सैनिटेशन। और बेसिक सैनिटेशन मतलब उन लोगों का घर साफ है कि नहीं, उन लोगों के सेहत, मतलब वहाँ पे अगर पानी साफ है या उसका खुराक साफ है, सही से न्यूट्रिशन मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी। तो ये सब क्या है, ये बेसिक सैनिटेशन है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एक प्रेग्नेंट वुमेन का, मैटरनल मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, एक प्रेग्नेंट वुमेन का और उसके चाइल्ड का हेल्थ कैसा है, ये भी हम देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर में, इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। और उन लोगों का जो फैमिली प्लानिंग है उसको देखेंगे, वैक्सीनेशन को देखेंगे, प्रिवेंशन को देखेंगे, एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीजेज। एंडेमिक डिजीजेज जो कि वहाँ उस इलाके में एंडेमिक डिजीजेज है, तो उसका मतलब उसको, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके सोल्यूशन को देखेंगे। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और वहाँ पे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो, मतलब उन लोगों को सही से ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो ऑफ कॉमन डिजीजेज, मतलब जितने भी कॉमन डिजीजेज है उसके ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो, एंड इंजरीज, और जो इंजरीज हो जाए तो उसका भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो, एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, और वहाँ पर ड्रग्स भी मौजूद हो। The emphasis changed from the larger hospital to the community-based delivery of services with a balanced of cost-effective preventive and corrective program. अच्छा जी, और ये एक emphasis था, मतलब value दिया larger hospital के बजाय किस चीज़ को, community-based delivery को, ताकि community को एक balance इफेक्टिव बैलेंस कास्ट पे, जो कि उन लोगों के कास्ट मतलब उन लोग, वो लोग एफोर्ड कर सकते हो, तो इस इतने पैसे, इतने कम रकम में उस उन लोगों को क्या प्रोवाइड हो, कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, हेल्थ केयर उन लोगों को प्रोवाइड हो। द अप्रोच वाज इंटरसेक्टोरियल, ये अप्रोच क्या था, इंटरसेक्टोरियल था। इंटरसेक्टोरियल था मतलब सारे लोग इनमें, इसमें शामिल थे। मल्टी सेक्टोरियल था, मल्टी सेक्टोरियल मतलब एग्रीकल्चर को भी प्रोवाइड था, एक्सटेंशन ऑफिसर, स्कूल टीचर्स, वुमेन ग्रुप, यूथ प्रोग्राम, एंड मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, सारे लोग हर जगह पे क्या फैला हुआ, कम्युनिटी हेल्थ या कम्युनिटी बेस्ड डिलीवरी सर्विस स्टार्ट हो गया, हर जगह पे कम्युनिटी बेस्ड डिलीवरी स्टार्ट हो गया, हेल्थ केयर प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। The community, through its leader, was to be involved in the planning of and implementation of its own healthcare service through community primary health committee. अच्छा जी, the community, community के जितने भी leaders थे, community के जितने भी बड़े बड़े leaders थे, वो क्या थे, was involved in the planning and implementation of its own healthcare services. तो वो लोग भी इस planning और इस implementation, मतलब पहले plan तैयार करता था उस disease का, उस specific disease का पहले plan करता था कि कैसे, how to solve this problem, और फिर उसके बाद क्या करता था, उसको पहले तो disease को determine करता था, फिर उसके लिए plan बनाता था, और उसके बाद वो implementation करता था, मतलब उस पर treatment apply करता था through community primary health committee। और ये किस चीज के जरिए, हेल्थ केयर सर्विस के जरिए, जिसका नाम था primary health committee। The western trend, western trend nurses, western trend doctors, western trend nurses, जो मतलब वेस्ट का जो ट्रेंड डॉक्टर है, जो ट्रेंड नर्सेस है, वो तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे और ना हो सकते थे, लेकिन क्या हुआ, वो उन लोगों को विलेज सिस्टम को क्या प्रोवाइड कर दिया, विलेज हेल्थ वर्कर प्रोवाइड हो गए, जो कि अभी भी है, और वर टू बी ट्रेन एंड यूज एज अ फॉर्मल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। अच्छा जी, लेकिन विलेज हेल्थ वर्कर जिसको हम VHW कहते हैं, वो लोग वहाँ गांव में प्रोवाइड कर दिए, ताकि घर घर सर्वे हो जाए और घर घर पे जाए और लोगों के हेल्थ केयर का प्रमोशन करे। तो उन लोगों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल गया, एक स्पेशल ट्रेनिंग मिल गया, उन लोगों को एक स्पेशल ट्रेनिंग मिल गया और एक फॉर्मल पार्ट मिल गया हेल्थ केयर सिस्टम में पर, और वो लोग अभी भी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं विलेज सर्विस को, विलेज के पेशेंट्स को, विलेज के क्लाइंट्स को, कमेटी को, कम्युनिटी को। नेशनल गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड एडॉप्टेड
PHC as a official blueprint that for total population coverage with essential PHC service. अच्छा जी, नेशनल गवर्नमेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट्स थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में जो नेशनल गवर्नमेंट है उन लोगों ने क्या किया, अडॉप्टेड PHC प्राइमरी हेल्थ केयर को अडॉप्ट किया और फिर उसके बाद एक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट फॉर टोटल पॉपुलेशन कवरेज, एक टोटल पॉपुलेशन कवरेज के लिए क्या बनाया, एक ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल काम शुरू किया उन लोगों के हेल्थ सर्विसेज पे और प्राइमरी हेल्थ केयर उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया. गोल एंड टारगेट वर टू बी अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000. अच्छा जी, 2000 प्राइमरी हेल्थ केयर जो WHO था, WHO का ये ख्याल था कि जो हेल्थ फॉर ऑल उन लोगों का गोल है, हेल्थ फॉर ऑल, ये 2000 में क्या हो, ये हमारा गोल जो है ना ये कंप्लीट करना है, ये गोल अचीव करना है, हमारा ये जो टारगेट है, उन लोगों ने एक टारगेट अपने सामने रखा था कि 2000 तक ये टारगेट हमने अचीव करना है हेल्थ के बेस पे, मतलब हेल्थ फॉर ऑल सबको प्रोवाइड करना चाहिए. तो क्या हुआ, सम ऑफ दिस गोल वर दैट, उसमें कुछ गोल्स थे कि यहाँ दिया गया है कि एटलीस्ट 5% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP में जो 5% है वो तो मतलब हर कंट्री में क्या होना चाहिए, हेल्थ पे स्पेंड करना चाहिए, हेल्थ को देना, हेल्थ सर्विसेज को देना चाहिए, हेल्थ पे मतलब हेल्थ को देना चाहिए, हेल्थ सर्विस पे खर्च करना चाहिए. एटलीस्ट 90% ऑफ चिल्ड्रन शुड बी अवेयर फॉर एज, और क्या करना चाहिए, बच्चों का ऐसा केयर करना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स का, छोटे छोटे बच्चों का और जो अभी पैदा हो जाए उन न्यूनेट्स का, जो नए बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन लोगों का ऐसा केयर करना चाहिए कि उसका वेट उसके एज के मुताबिक हो. जिसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसका रिजल्ट ये होता है कि या तो हाइट ओवर वेट उन लोगों का, माल न्यूट्रिशन उसको मिलता है, उसका जो फिर हेल्थ होता है वो वेट के बजाय कम होता है, या उसका जो हाइट होता है वो वेट के बजाय कम होता है, या उसका वेट जो है ना वो हाइट के बजाय कम होता है या ज़्यादा होता है. तो ओवर या अंडर न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, बच्चों का जो वेट है वो एज के मुताबिक बिल्कुल करिस्पॉन्ड होना चाहिए. तो इन लोगों का एक ये गोल था, एक ये था कि 5% ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जो है ना वो 5% स्पेंड करना चाहिए हेल्थ पे. और तीसरा ये था कि सेफ वाटर शुड बी अवेलेबल एंड द होम आर विद इन 15 मिनट, हर 15 मिनट बाद सेफ वाटर प्रोवाइड होना चाहिए, हर 15 मिनट मतलब कि घर के एक घर से दूसरे घर जाने में अगर 15 मिनट लगता है तो क्या करना चाहिए कि रास्तों में सेफ वाटर प्रोवाइड होना चाहिए. जैसे कि अभी जो हैंडपम्प्स वगैरह लगे हुए हैं रास्तों पे, तो ये हैंडपम्प्स इन लोगों का काम था कि 2000 में क्या होना चाहिए, हमारे साथ इतने पानी प्रोवाइड होना चाहिए, इन लोगों को साफ पानी प्रोवाइड होना चाहिए ताकि हर घर से 15 मिनट के दूरी पर क्या हो, पानी प्रोवाइड हो, मतलब हैंडपम्प्स लगे हुए हो. वॉकिंग डिस्टेंस पे, ठीक है जी, वॉकिंग डिस्टेंस 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे पानी प्रोवाइड हो. एंड एडिक्वेट सैनिटेटरी फैसिलिटी, और एडिक्वेट सैनिटेटरी प्रोसीजर मतलब सैनिटेशन का फैसिलिटीज भी अवेलेबल होना चाहिए, शुड बी अवेलेबल इन द होम एंड इमीडिएटली विसिनिटी. ठीक है जी, हर होम में, हर विसिनिटी वगैरह में क्या होना चाहिए, सैनिटेशन का फैसिलिटी मौजूद होना चाहिए. पीपल शुड हैव असिस्ट टू ट्रेन पर्सनल फॉर अटेंडिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. अच्छा जी, लोगों को चाहिए कि वो क्या मतलब हर घर में जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जितनी भी चाइल्ड मतलब बच्चों को पैदा करने वाली औरतें हैं, जितनी भी छोटे छोटे बच्चे हैं न्यूनेट्स हैं, तो उन लोगों के माओं को, उन लोगों के माओं को ये सिखाना चाहिए, उन लोगों के माओं को एक प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, एक प्रोग्राम, एक स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहिए, एक प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए और उस प्रोग्राम में एक स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान भी और चाइल्ड बर्थ के दौरान भी वुमेन्स को. चाइल्ड केयर शुड बी अवेलेबल, चाइल्ड केयर भी ज़रूरी होना चाहिए, वहाँ पे अवेलेबल हो एटलीस्ट 1 ईयर तक, 1 ईयर के एज तक, मतलब बच्चा जब न्यूनेट जब पैदा हो जाए तो इन्फेंट तक उन लोगों का क्या केयर होना चाहिए.
Why PHC didn't achieve its goal? जो उन लोगों का गोल था कि 2000 तक हम ये केयर प्रोवाइड करेंगे, हमारा ये गोल है कि हम GP जो ग्रास डोमेस्टिक फंड है वो उसमें से 5% खर्च होना चाहिए, दूसरा ये कि बच्चे का हेल्थ जो है ना वो वेट के एज के मुताबिक होना चाहिए, तीसरा ये कि जो प्रेगनेंट वुमेन है उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए, उन लोगों को स्पेशल केयर देना चाहिए, चौथा ये कि उन लोगों को के हर घर के 15 मिनट दूरी पर पानी प्रोवाइड होना चाहिए, साफ पानी, और तीसरा ये कि घर और पांचवा ये कि हर घर का सैनिटेशन ज़रूरी है। तो ये और इस तरह से कुछ और भी पॉइंट्स थे लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो उन लोगों का जो गोल था वो इस वजह से अचीव नहीं हुआ, ये गोल इस वजह से 2000 तक अचीव नहीं हुआ क्योंकि PHC डिडंट अचीव इट्स गोल फॉर सेवरल रीजन। कुछ रीजन्स थे इंक्लूडिंग द रिफ्यूजल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड पॉलिटिशियन। पहला तो ये कि एक्सपर्ट्स ने इनकार कर दिया कि हम नहीं हिस्सा लेंगे इसमें, दूसरा ये कि पॉलिटिशियंस ने भी इनकार कर दिया कि हम भी नहीं हिस्सा लेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके पॉलिटिशियंस ने बिल्कुल इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हमने हिस्सा नहीं लेना है। टू एक्सेप्ट द प्राइमरी प्रिंसिपल डेट कमिटी शुड प्लान एंड इम्प्लीमेंट देयर ओन हेल्थ केयर सर्विस, उन लोगों का जो प्लान था, उन लोगों का जो इम्प्लीमेंटेशन था, तो उन लोगों ने तो क्या कर दिया, एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियन ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हमने हिस्सा नहीं लेना है। तो इस वजह से प्राइमरी हेल्थ केयर का जो गोल था WHO का, तो उन लोगों ने 2000 तक इस वजह से क्या हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर का जो गोल था WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो उन लोगों ने ये गोल अचीव नहीं कर दिया 2000 तक। अच्छा जी, अब है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटी थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एट इट अ कॉस्ट विद That community and the country can afford. एक practical base पे एक care है जो कि scientifically sound है, socially acceptable है, जो कि हमने पिछले topic में, जो कि हमने पिछली slide में discuss किया कि what is scientifically, what is socially acceptable, what is universally accessible, जो कि universally accessible हो, जो कि individual families and community through their full participation, community families और individual आपने हिस्सा लेना है इस participation में, जो कि हिस्सा ले रहे हो और क्या हो, एक ऐसे कास्ट पे मौजूद है जो कि कंट्री और कम्युनिटी अफोर्ड कर सकते हो, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। और ये डिफिनीशन अल्माटा का है, ऑन द बेस ऑफ अल्माटा प्राइमरी हेल्थ केयर का ये डिफिनीशन है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज व्हेन अ पर्सन मेक फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द हेल्थ केयर सिस्टम। अच्छा जी, प्राइमरी हेल्थ केयर ये एक ऐसा हेल्थ केयर है जो कि पर्सन जो है ना वो फर्स्ट कॉन्टेक्ट करे एक हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। लीडिंग टू अ डिसीजन रिगार्डिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व एनी एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि क्या करे, एक डिसीजन बनाए, एक डिसीजन ले अपने एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम, जो भी उसको एक्चुअल प्रॉब्लम वो होता है जो कि पेशेंट को मौजूद हो, ऑलरेडी मौजूद हो, मतलब पेशेंट का जो प्रॉब्लम होता है, पेशेंट जिस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए आया है हॉस्पिटल में, तो उसको एक्चुअल प्रॉब्लम कहते हैं या पोटेंशियल प्रॉब्लम कहते हैं। तो पेशेंट का एक्चुअल या पोटेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेशेंट जो आया है यहाँ हॉस्पिटल में, तो उसको सॉल्व करने उसको सॉल्व करने के लिए आया है, तो वो उसके लिए एक डिसीजन बनाए या उसके रिसॉल्व के लिए एक्शन ले, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी केयर। द प्रोवाइडर ऑफ PHC प्राइमरी हेल्थ केयर आर फिजिशियन। प्रोवाइडर ऑफ क्या हो, जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है तो वो या तो फिजिशियन हो सकता है या नर्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं या नर्सिस एंड नर्स मैनेज क्लिनिक्स हो सकते हैं या स्कूल्स में या ऑक्यूपेशनल सिटिंग्स वगैरह होते हैं। ठीक है जी, तो ये PHC का प्रोवाइडर होता है। द फोकस इज ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड रूटीन केयर। ठीक है जी, और ये एक रूटीन केयर होता है, मतलब रूटीन पे केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट को, क्लाइंट को।
प्राइमरी केयर इज नॉट अ डिसिप्लिन इटसेल्फ। प्राइमरी केयर जो है ना, ये एक डिसिप्लिन नहीं है खुद, बट इट इज प्रोवाइड बाय प्रोफेशनल्स विद स्पेशल ट्रेनिंग। लेकिन ये एक प्रोफेशनल ने स्पेशल ट्रेनिंग के जरिए से पेशेंट को क्या करता है, पेशेंट को मतलब अप्लाई करता है पेशेंट पे, या पेशेंट को प्रोवाइड करता है एज अ लेवल ऑफ केयर। ये एक लेवल ऑफ केयर है, जैसे कि प्राइमरी केयर जो है ना, ये क्या है, ये एक पायरामिड हम बनाते हैं। पायरामिड आप लोग जानते हो, जो कि त्रिकोण की शक्ल में होता है, ट्राइंगल की शक्ल में होता है, उसके जो टॉप पे होता है और फिर उसका मिड भी होता है और फिर उसका मतलब एक बेस होता है। तो बेस पे यानी जिसके एंड में जितना केयर प्रोवाइड हो तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। जो मिड में प्रोवाइड हो तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी केयर, और जो टॉप पे प्रोवाइड हो उस केयर को हम कहते हैं टर्शरी केयर। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक प्राइमरी हेल्थ केयर का समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।